नमस्कार, समय साक्ष के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उसमें था। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां दून विश्वविद्यालय में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आपको बता दें कि दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर चेयर की स्थापना की गयी है। इसके जरिए बाबा साहेब के सिद्धांतों, आदर्शों और जीवन दर्शन पर शोध कार्य संचालित किए जाएंगे, जिससे राज्य के अनुसूचित जातियों, महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों के साथ ही समाज के अन्य वंचित वर्गों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण को संभव किया जा सकेगा। वहीं पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर चेयर की स्थापना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से राज्य के अनुसूचित जातियों, महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासियों के साथ ही समाज के अन्य वंचित वर्गों के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक सशक्तिकरण को संभव किया जा सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से वंचित वर्गों को काफी लाभ मिलेगा। देखिए, ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अम्बेडकर चेयर 5 वर्ष के लिए मिली है, जिसमें बच्चे अंबेडकर पर शोध करके यहाँ सामाजिक न्याय, उन्हें यहाँ के जो हमारे एससी और एसटी के लोग हैं उन्हें सामाजिक न्याय कैसे मिले, वो समाज में कैसे एक साथ मिलके कार्य करें, बच्चे पढ़ लिख के अच्छी अच्छी नौकरियों पे जाएं, अपने व्यापार करें, यही मकसद है इस अंबेडकर चेयर का। बाकी तो यूनिवर्सिटी में अन्य कोर्स चल रहे हैं, उसके माध्यम से भी हमारे बच्चे अच्छे शिक्षा ग्रहण करेंगे। निश्चित रूप से ऐसे हमारे छात्र छात्राएं जो आज समाज जीवन के हर क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, अनुसंधान में भाग लेना चाहते हैं, अन्य क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, उन क्षेत्रों में जाने के लिए ये चेयर और इसके द्वारा जो भी संसाधन यहाँ पर उपलब्ध होंगे वो निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगी और सभी हमारे इन छात्रों को, छात्राओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। कैबिनेट मंत्री एवं मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा शुक्रवार को मसूरी स्थित उपजिला संयुक्त चिकित्सालय सिविल अस्पताल में कोरोना मरीजों के उपचार हेतु स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उस दौरान मसूरी में ऑक्सीजन सिलेंडर देहरादून से भिजवाने पड़े थे और उसी समय हमने संकल्प लिया था कि मसूरी की जनता के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगवाया जाएगा। उन्होंने उन पर विश्वास जताने के लिए मसूरी की जनता का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सीएम के नेतृत्व में सरकार जनता की हर संभव सहायता करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि तय समय सीमा के अंदर ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो गया है और आज हम इसका लोकार्पण कर रहे हैं। इस अवसर पर अस्पताल के भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, सीएमएस डॉक्टर यतेंद्र सिंह एवं अन्य चिकित्सा कर्मी, इंजीनियर टीम, दून स्कूल ओल्ड बॉयज सोसाइटी के सदस्य और स्थानीय निवासी उपस्थित रहे। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत औषधि विभाग में वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर शीघ्र नियुक्ति के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि विभाग में रिक्त राज्य एवं जिला स्तर के सभी रिक्त पदों का अधियाचन यथाशीघ्र राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाए। साथ ही जनपद स्तर पर तैनात विभागीय अधिकारियों को पृथक कार्यालय एवं आवश्यकता अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ की उपलब्धता करवाई जाए। सचिवालय स्थित डीएम एमसी सभागार में उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत औषधि विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभागीय मंत्री ने राज्य एवं जिला स्तर पर तैनात औषधि प्रशासन के अधिकारियों को अपने कार्यों में पारदर्शिता एवं तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग में अधिकारी वर्ग के वर्षों से रिक्त पड़े पदों का अधियाचन जल्द राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाए, ताकि विभाग पूरी क्षमता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके। बैठक में आयुक्त एफडीए एवं सचिव स्वास्थ्य पंकज कुमार पांडे, अपर आयुक्त एफडीए एवं अपर सचिव एएस चौहान, सहायक औषधि नियंत्रक ताजवर सिंह, एसएस भंडारी, वरिष्ठ औषधि निरीक्षक डॉक्टर सुधीर कुमार, नीरज कुमार, मीनाक्षी बिष्ट, औषधि नियंत्रक राजेंद्र रावत, मानेंद्र सिंह राणा,
संजय सिंह, अनीता भारती सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय देहरादून में प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति की बैठक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा, विधायक हरीश धामी, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल, पूर्व मंत्री प्रसाद नथानी, पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी, प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र जीत सिंह बिंद्रा, पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल, हाजी तस्लीम अहमद, प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली आदि मौजूद रहे। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सिरोबगड़ और नरकोटा में रुद्रप्रयाग और चमोली की जनता के लिए नासूर बन गया है। बरसाती सीजन शुरू होने से लेकर अब तक सिरोबगड़ और नरकोटा में लगातार भूस्खलन जारी है। हाईवे के दोनों स्थानों पर बंद होने से सबसे अधिक दिक्कतें मरीजों को हायर सेंटर रेफर करने में हो रही है, जबकि आवश्यक सामग्री से लदे वाहनों के कई दिनों तक हाईवे पर ही फंसे होने से दोनों जिले में सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही है और सब्जी फल दूध सहित अन्य सामान सड़ गल कर खराब हो रहा है। यहाँ पे हमें बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ खाने के लिए पैसे नहीं है। अच्छा। और हमारे गैस की गाड़ी वहाँ से फोन आ रहा है, गैस नहीं है। कहाँ सप्लाई हो रही है? हमारे रुद्रप्रयाग है हमारी, तो और काहे की ट्रक है और गैस और उसके भी है, राशन के है, सीमेंट के है। अच्छा। तो सब्जी के है, जिनकी तो सब्जी सड़ गई है, वहाँ फेंक रखी हुई है सब्जी। अच्छा, सब्जियाँ सड़ गई है। अच्छा, बहुत स्थिति खराब है, बहुत बड़ी दिक्कत है। दुकानदार को फोन आ रहे, मेरी सब्जी सारी सड़ गई है, गोभी था, टमाटर था, फूलगोभी थी, टमाटर सब सड़ गया है, थोड़ा लौकी बची हुई है और बंद गोभी सारी सड़ गई है, सेब की पेटी जल रही हुई है और केला कूला सब फेंक दिया मैंने। सामने देखने वाली बात है, अभी से क्या बोल सकता हूँ, कोई राजी नहीं। यहाँ पे एस एम साहब आए, उनको हाथ के वो भी वापस फोटो खींच के चले गए। एन एस वाले साहब आए, बड़े साहब, छोटे एक जी साहब बेचारे रात तक रहे वो यहाँ पे, उनको किसी ने सुनी नहीं। वो बेचारे मजबूत थे, वो बहुत मेहनत की उन्होंने और उनकी किसी ने नहीं सुनी। आज तीसरा दिन है जी। क्या क्या सामान है? लिखकर है जी आर्मी की। अभी स्थिति क्या है, खुल जाएगी बोल बता रहे हैं? अभी आज ही आए हैं। आज ही आए हैं। अच्छा अच्छा, खाना खुने का है कोई इंतजाम? खाने का यहाँ है, उसी के बेचारे की वजह से टिके हुए सब। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए समय साक्षी।